नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सायमा। लोकसभा चुनाव की सदगर्मियों के बीच यूपी की लालगंज से बसपा सांसद संगीता आजाद की पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल फोटो ने सियासत में भूचाल मचा दिया, जिस पर कयास लगाया जा रहा है कि वो चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इन तमाम खबरों के बीच अब संगीता आजाद ने इस मुलाकात पर जवाब भी दिया है, तो इस सवाल पर क्या कुछ कहा है संगीता आजाद ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पीएम मोदी के साथ बसपा सांसद की एक फोटो वायरल होने से राजनीति में हड़कंप मच गया और अनुमान लगाया जाने लगा कि बसपा सांसद बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसी सरगर्मियों के बीच यूपी की लालगंज सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा, जो तस्वीर वायरल हो रही है वो तो मैंने खुद ही सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उनकी पीएम मोदी के साथ ये तस्वीर शीतकालीन सत्र खत्म होने के दौरान की है, जहां पर मेरी कई मंत्रियों से मुलाकात हुई। इसी समय 2022-23 के बजट सेशन में मैंने दिल्ली से आजमगढ़ के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग रखी थी। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर मैं रेल मंत्री से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि 300 वंदे भारत की एक योजना केंद्र से आने वाली है, तो इस संबंध में एक चिट्ठी आप प्रधानमंत्री जी को भी दे दीजिए। बसपा सांसद ने आगे बताया कि जब हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री जी ऑफिस में हैं, तो हमने उनसे मिलने का समय मांगा और तुरंत हमको समय भी मिल गया। जब हम उनके पास गए तो हमने बताया कि आपका संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, इन दोनों के बीच में आजमगढ़ है, लेकिन आजमगढ़ में विकास की गति काफ़ी कम है। हमने कहा कि आजमगढ़ से लालगंज के बीच चलने वाली ट्रेन चाहिए, लालगंज में एक स्टेशन भी बनना चाहिए ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। इसके साथ ही हमने एक पत्र लिखकर ये भी कहा कि दिल्ली से आजमगढ़ के लिए एक वंदे भारत ट्रेन यहाँ भी चलाई जाए, क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। संगीता आजाद ने बताया कि इस चिट्ठी और फोटो को हमने खुद ही फेसबुक पर शेयर किया था, जिस पर लोगों ने गलत कयास लगाना शुरू कर दिया। ये बात गलत है कि हम पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, हमारी नेता आज भी माननीय बहन जी हैं। आपको बता दें, संगीता आजाद ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की उस दौरान उनके साथ पूर्व बसपा विधायक और उनके पति अरिमर्दन आजाद भी मौजूद थे। जहां एक तरफ बसपा सांसद संगीता आजाद ने अपने बयान में ये साफ कर दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव से पहले कौन नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।